अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम ज़ैबुन्निसा है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का दिन 14 फरवरी यानी कि 14 फेब है, जो कि बॉयकॉट का दिन है। 14 फरवरी, देखिए, इस्लाम का दूसरा नाम हया है और वैलेंटाइन डे बेहयाई ही बेहयाई है। तो वैलेंटाइन डे नॉट फॉर मी बिकॉज आई एम मुस्लिम। वैलेंटाइन डे का बायकॉट करें सब लोग। हम और हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत और हया का विकास सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की रोशन तलीमात में है। इसलिए हमें अपने माशरे से तमाम गैर इस्लामी, गैर इखलाकी और गैर फितरी रिवाजों को ख़त्म करना होगा, यानी कि 14 फरवरी से बायकॉट करना होगा। कफार से मशाबत जायज़ नहीं। गैर मुसलमानों से किसी भी किस्म के मशाबत इख्तियार करना या इनके दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ तरीक़ाकार को पसंद करना इस्लाम में सख्ती से मना है। जबकि वैलेंटाइन डे यहूद नसारा का फहाशी और बेहयाई फैलाने वाला त्यौहार है, लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि कफ़ार की मशाबत से सख्ती से बचें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने भी जिस कौम से मशाबत इख्तियार की वो हम में से नहीं। मोहब्बत का दिन, क्या आप जानते हैं कि हम वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? सेनेट वैलेंटाइन नामी यहूदी ने एक नाजायज़ तल्लुक को जायज़ करा दिया। इस बात पर इस वक्त की गवर्नमेंट ने इसे 14 फरवरी फांसी की सज़ा दी। उस दिन को नई जनरेशन ने, नई नस्ल ने उसकी याद में मनाना शुरू कर दिया। अफसोस, हाय कदर अफसोस, एक यहूदी की याद में और वो भी एक नाजायज़ तल्लुक के दिन को मुसलमान बड़े एहतराम से मनाते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जो एक नाजायज़ तल्लुक को फ़रोग देती है। और याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किस कौम की या जिस कौम की मशाबत करेगा, यानी कि उसको अडॉप्ट कर लेगा, क़यामत वाले दिन वो उनमें से होगा। तो हम तो मुसलमान हैं, हम इस दिन को क्यों मनाएं? हम यहूद नसारा की मशाबत क्यों इख्तियार करें? तो आज के दिन हमने अहद करना है, हमने इस दिन को बायकॉट करना है, क्योंकि ये हमारा दिन नहीं है वैलेंटाइन डे का। तो हम लोगों ने इसको नहीं मनाना है। वैलेंटाइन डे हमारे लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। जैसे कि देखें, वैलेंटाइन डे हमारे लिए नहीं है, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी। खुदा के लिए, तेरी जवानी रहे बेदाग, ये काम सुबह शाम करना, हया के कल्चर को आम करना। ये 14 फरवरी हया डे है, ना कि ये हमारे लिए वैलेंटाइन डे है। तो इसलिए हमने इसको नहीं मनाना। से नो टू वैलेंटाइंस डे, नो वैलेंटाइन डे फॉर मुस्लिम्स। वैलेंटाइन डे मुसलमानों के लिए नहीं है। नो वैलेंटाइन, आई एम मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। वैलेंटाइन डे हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे इज़ हराम, वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना हराम है फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए। आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। नो वैलेंटाइन डे, कोई वैलेंटाइन डे नहीं होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव प्रॉफिट और वैलेंटाइन, आई सेड नो टू वैलेंटाइन डे, व्हाट अबाउट यू? आप क्या कहते हो इसके बारे में? स्टॉप वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे को रोको, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। बायकॉट हैप्पी वैलेंटाइन डेज, नो वैलेंटाइन डे, नो वैलेंटाइन डे, क्योंकि ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारा दिन नहीं है। जस्ट आप लोग हया डे को अपना बनाए, ईमान का हिस्सा हया डे है। जैसे कि हया में रहना, गाउन पहनना, आप जैसे मर्जी जा सकते हो, हया ईमान का हिस्सा है। औरत अगर खूबसूरत नजर आना चाहती है तो उसे चाहिए कि नज़र ना आए, वो किसी के सामने ना आए। तो ये हया का दिन है, ना कि वैलेंटाइन डे है। हया इज़ अ क्रोन, हया हमारी। तो आज के दिन हम अहद करते हैं, 14 फरवरी हमारा दिन नहीं है, हम इसे बॉयकॉट करते हैं। 14 फरवरी योम हया का दिन है। ये दिल का नहीं बल्कि दीन का मामला है।
अल्लाह हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला हमारे दिल का हाल जानते हैं। अल्लाह ताला हमें इस यहूद नसारा की मशाबत से बचाए। अपनी मेज़बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।